Shakeel Ka Safar was your first drama. Yes, I heard Zahid's name and I was like, wow, because I watched Ishq Se Naseeb because of Zahid. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia Mughni. You're watching Manfusha Magazine. और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड मेहमान, नवाल सईद. अब तो मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया ना? क्योंकि पहले मैंने गलत बोल दिया था. उनको आपने सुनो ना, बेजुबान, सुतेली मामता और आजकल आप फरियाद में देख रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम नवाल, क्या हाल है? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक राबिया, हाउ आर यू? सलाम पहले करना चाहिए था, पहले मैंने नाम की करेक्शन का पूछ लिया क्योंकि आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि मैं गलत ना बोल दूं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, गुड. सबसे पहले तो मुझे पूछना है भाई, इतने खूबसूरत और इतने ज़बरदस्त बालों का राज क्या है? जैसी नवाल एंटर हुई ना, मुझे लग रहा था मेरे ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में एक यू नो बालों का एड चल रहा है. इतने मजे के बाल लग रहे थे, इतने खूबसूरत. सो डू यू डू एनी देसी नुस्खा या क्या क्या करती हैं भाई? आई डोंट. मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ कभी कभार. अच्छा. और कभी मेरा अगर मूड हुआ या मामा ने फोर्स किया तो मैं एलोवेरा जेल लगा लिया या योगर्ट. बट टेल मी, आप लोग तो मतलब अपने प्रोफेशन में इतना आप लोगों को ब्लो ड्राई करना पड़ता है, हीट यूज होती है, हाउ डू यू मेक श्योर के बाल खराब नहीं हो? मुझे ये बड़ा इंट्रीग करती है क्वेश्चन. बाल बहुत खराब हो गए हैं. हो गए हैं, बहुत खराब हो गए हैं. आई जस्ट टोल्ड यू, आई हैव लॉस्ट सो मच ऑफ माय हेयर. हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे. यस, आई हैव लॉस्ट, आई हैड लाइक लॉन्ग बिग हेयर, तो वो मेरे उतने अब लंबे भी नहीं है और फिर ड्राई हो गए, डैमेज हो गए. बट आई जस्ट ट्राई टू यू नो Keep up with it. कुछ ना कुछ करो जिससे बच जाए. अच्छा नवाल, मुझे ये बताएं इस साइट पे एंट्री कैसे हुई? आई नो कि आपने स्टार्ट किया एड्स में और सब कुछ, लेकिन ये पहले ख्याल कैसे आया कि मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग या इस तरफ जाना है? आई हैव नो आइडिया. मुझे बस ये पता था कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फॉर्म्स ऑफ आर्ट में था, पेंट में और राइटिंग में, म्यूज़िक में. तो मैंने स्टार्ट तो मुझे म्यूज़िक से ही करना था. okay. और मैंने स्टार्ट किया भी म्यूज़िक से था. आई जॉइंड नापा फॉर वोकल्स एंड गिटार. तो फिर माय डैड वन डे सेड के यू शुड ऑडिशन एट दिस एड एजेंसी, ही इज बीन दिस सपोर्टिव. तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई, वी वेंट ऑडिशन फॉर दिस एट दिस एड एजेंसी. और उसका तो कुछ नहीं बना. आई केप्ट गेटिंग कॉल्स. ओके. तो फिर आई डिड कमर्शियल्स फॉर लाइक 3 to 4 years. उसके बाद आई मेट दिस लेडी ऑन द कमर्शियल सेट. शी सेड यू नो यू हैव अ वेरी ड्रामा फेस, यहाँ पे एक दिस इज ऑफिस वेर यू कैन ऑडिशन फॉर ड्रामाज. मैं नंबर देती हूँ एंड यू गो ऑडिशन ओवर देयर. तो वहाँ पे जाके मैंने ऑडिशन किया एंड आई स्टार्टेड विद. अच्छा, इस पॉइंट पर हम दोबारा आएंगे, पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं. तो लेकिन अब्बू को ख्याल, यू कॉल हिम अब्बू, अब्बा, बाबा? आई कॉल हिम पापा. पापा? yeah, मैं भी आई कॉल हिम पॉप्स. पता नहीं, मैं पॉप्स ही कहती, बट मैं भी अपने फादर को पापा कहती. क्यूट है ना? या आई नो. सो बट उनको कैसे ख्याल आया? मतलब क्या होता था, आपकी बात दोस्ती है उनसे, यू हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिम? उनको कैसे लगा कि आप ये करना चाहती हूँ और मैं अपनी बेटी को इस तरफ पुश करूँ? मेरी एक तो बहुत फ्रेंडशिप भी है और पापा खुद भी म्यूजिक में, ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम नापा. तो वो हमारे घर में भी इन्वायरमेंट शुरू से यही रहा है कि पापा वुड प्ले द पियानो, पापा ने वायलिन सीखा. अच्छा. पापा जो है गाते थे. अभी भी कल मैं बाहर से घर आ रही थी तो मैं जो ग्राउंड फ्लोर पे, मुझे पापा की गाते हुए आवाज़ आ रही थी. तो आई वेंट अपस्टेयर्स, टोल्ड हिम कि पापा प्लीज़ काम डाउन, सर्दियाँ हो रही हैं और मुझे नीचे तक आपके गाना गाते हुए आवाज़ आ रही थी. वो बेटियाँ यही होती है ना कि अम्मा अब्बा कुछ कर रहे हैं तो धीमा रखें. तो वो इन्वायरमेंट मुझे शुरू से घर पे मिला. फिर माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. अच्छा. और मेरे पेरेंट्स में और मुझ में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है. तो वो मुझे लगता है कि हमारी एक बॉन्डिंग एज फ्रेंड्स भी है. और उन्होंने कहा पढ़ाई रखो, पढ़ाई, बिकॉज आपने ए लेवल्स के बाद आपने छोड़ दिया था या कंटिन्यू किया था? ए लेवल्स मैंने किया था और फिर बिकॉज आई हैड प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, तो मैंने फिर एक, मैंने कहा मैं ईयर ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी. तो वो ईयर ब्रेक के चक्कर में कोविड हैपेंड. और फिर अभी आई हैव प्रोजेक्ट्स ऑन माय हेड. आपको लग रहा है आप वापस जाएंगी पढ़ाई की तरफ? आई विल, आई विल. लेकिन मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल है. आपको पता है मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जब मैं ए लेवल्स कर रही थी तो 9 to 12 मेरी क्लास होती थी सुबह,
12:30 मेरे घर के नीचे गाड़ी होती थी, वो तो इंस्टीट्यूट मेरे घर से करीब था, तो 12:10 में अपने घर पहुंचती थी और शार लेके 12:30 में अपने नीचे गाड़ी में बैठती थी। अब वहाँ से मैं 11 बजे घर आती थी रात को, तो बहुत हेक्टिक था। क्या करती थी, बुक्स वहीं ले जाती थी, वहीं पढ़ाई हो रही है? नहीं, मैं पढ़ती सिर्फ क्लास में थी। ओके, माशाल्लाह से। इसका मतलब है आप काफी ज़हीन हैं, मतलब यू नो, बिकॉज़ दो चीजों को मैनेज करना, इलेवन्स इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। एंड आई रिमेम्बर एक तो मैंने एग्जाम भी ऐसे दिया है कि मेरा 2 बजे एग्जाम था और 8 सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैं शूट पे थी, और वहाँ से फिर आई वेंट होम, चेंज, एग्जाम दिया, एंड देन आई केम बैक टू सेट। और मुझे ये बताएं, इतनी यंग एज है ना आपकी, इस एज पे तो मुझे लगता है बड़ी टेम्पटेशन होती है कि यार मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ, मेरा करियर आगे है, क्यों पढ़ाई करूँ, छोड़ूँ मैं किताब, यू नो, मुझे मतलब मैं अभी सेट से वापस जाऊँ फिर मैं एग्ज़ाम दूँ, कभी ये फीलिंग्स आती हैं या आती थी, और अगर हुआ तो कैसे हैंडल किया इसको? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट, आई एम एबल टू एक्सेप्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, आई स्टडीड सोशियो, आई स्टडीड लॉ, तो जो भी मुझे अभी तक एक्सपोजर मिला है और जो चीज़ें मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सेप्ट कर पाती हूँ, मैंने जो अभी तक फील किया है, पीपल आर वेरी इंटॉलरेंट, इन एक्सेप्टेंट, आई एम एबल टू एक्सेप्ट पीपल स्पीक, तो वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, तो मैं उसको तो बिल्कुल मेरे लिए तो इट वॉज ऑलवेज बेनिफिशियल। तो यू क्लियर कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, और जो अभी तक पढ़ा है उसने मुझे हेल्प किया है। आई एम सो हैप्पी टू हेयर दैट, बिकॉज मुझे बस यही लगता है कि जो लोग आप, बिकॉज यू आर यूथ आईकॉन, यू नो, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं माशाल्लाह से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि पढ़ाई मस्ट है, जो भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई एक डिग्री हाथ में होनी चाहिए ना। बिल्कुल, तो सेट पे सब लोग सीरियसली ले लेते कि ये तो यंग सी आ गई है, इसने तो अभी ए लेवल्स किया हुआ है और ये सब, या नहीं पता चलता, या क्या कैसे ट्रीटमेंट होती है? डू यू फील कि कभी कभी आप थोड़ा सा हो जाते कि तो छोटी है? नहीं, मुझे लगता है सीरियस ही लेते हैं। और एक 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 एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे एवरीबॉडी इज अ सेपरेट एंटिटी। मजाक ही उड़ा दे, तुम बच्ची हो, तुम चुप करो। हाँ, कभी कभी, कभी कभी, यस यस, मजाक में हो जाता है ये। यस यस, ये फरियाद के बिल्कुल शुरू में भी ऐसा हुआ था कि शदी भाई मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हो, मैं पूरे दिन स्क्रिप्ट लेके बैठी रहती थी, तो उस तरीके से मुझे लगता है यस, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। तो अम्मा अब्बा पे हम वापस आते हैं, तो अम्मा इज वेरी सपोर्टिव, व्हाट डू यू कॉल हर? मॉम, आई कॉल हर मामा, मामा, और पापा को मैं पापा बोलती हूँ, और प्यार आए ना ज्यादा तो मैं बोलती हूँ पॉप्स, पॉप्सिकल, पॉप्सी। तो वो क्या हेल्प करते हैं, उनकी क्या गाइडेंस होती है, वो क्या कहते हैं सारे करियर के बारे में? अच्छा, उन्होंने मुझे बस शुरू से एक बात बताई है कि रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन सेट बिकॉज एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर यू, और आपका अच्छा बुरा काम बाद में आएगा, पहले लोग आपको आपके बिहेवियर से जानेंगे। सही बात है। तो आप इस चीज़ पे, ये चीज़ उन्होंने मुझे शुरू से बताई है, तो आई स्टे फोकस्ड ऑन दिस। मुझे पता है आप, मतलब अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ साल ही हुए हैं, बट माशाल्लाह से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं, तो अब्बू का क्या, अम्मी का क्या होता है, उनका रिएक्शन, आर दे प्राउड ऑफ यू? कभी गले लगा के उन्होंने बोला, या क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर कर सकते हैं? दे रियली प्राउड ऑफ मी। और उनको ये भी पता है कि इस एज में बहुत सारे लोग इतना शायद अचीव नहीं करते, और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, और किसी का म्यूज़िक से या फॉर्म्स ऑफ आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो और क्योंकि माय फादर रियली रिस्पेक्ट्स आर्ट, तो वो मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माय मदर आल्सो, और वो कभी कभी देयर आल्सो वेरी स्केयर्ड के ऑफ द इविल आई, एंड यू नो यू वर्किंग, एंड सब देखते हैं नवाल, एतुल कुर्सी पढ़ के घर से निकला करो, तो उस तरीके से वो बहुत पजेसिव है। बहुत अच्छी बात है, सारे माँ बाप ये कहते हैं, लेकिन दे आर रियली प्राउड ऑफ, दे आर रियली। तो कोई ड्रामा हुआ या कोई सीन हुआ या कोई चीज़ उन्होंने देखी उसके बाद उन्होंने आके कुछ बोला हो स्पेशल? अच्छा, वो मेरा हर प्रोजेक्ट, मेरी हर चीज़ वो देखते हैं। अच्छा। और कभी कभी मैं सेट पे होती हूँ तो घर पे आती हूँ तो पता लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो कोई अच्छा लग गया सीन या समवेयर दे थॉट कि आई कुड डू बेटर, वो मुझे ज़रूर बताते हैं। अच्छा, बताते हैं? बताते हैं। दैट्स नाइस। पर उन्होंने आपको म्यूज़िक की तरफ क्यों नहीं पुश किया, खुद वो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, आप बताएं, उनको गाने का भी बहुत शौक है, तो म्यूज़िक क्यों नहीं उन्होंने आपको एड एजेंसी पे लेकर गए? नहीं, म्यूज़िक की तरफ ही पुश किया था। आई स्टार्टेड विद वोकल्स एंड गिटार।
ओके तो वो फिर 6 मंथ का कोर्स किया. उसके बाद आई डोंट नो कि उसके ऊपर ब्रेक लग गया बिकॉज आई वाज आल्सो स्टडीइंग. फिर मुझे वहाँ नैपा जाना और आना वो मेरे लिए हेक्टिक हो जाता था. हाउ वाज द एक्सपीरियंस नैपा पे पढ़ने का? मुझे अच्छा लगा लेकिन मुझे लगता है कि एक आर्ट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड. उसमें बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए. तो मुझे लगता है वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है. आई मीन दे वॉन्ट यू टू डू वट दे वॉन्ट यू टू डू. ओल्ड फैशन मारना पड़ गया मुझे इस बात पे. आई थिंक आई एम बीइंग टू ऑनेस्ट. दैट्स ओके बट आई लर्न फ्रॉम देयर. सो या कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरा बस एक छोटा भाई है. ही इज 13. ओ माशाल्लाह. या एंड देन वो क्या कहता है आपको? आपी. उसका क्या है? वो शो मारता है मेरी आपी तो अब टीवी पे आती है या कुछ या उसके फ्रेंड्स आके तंग करते हैं या उसका कुछ? आई विल जस्ट टेल यू दिस. I think 3 days ago he was talking to his school friend और मैं कमरे में आई तो he said मेरी आप ही आई है. तो उसकी दोस्त ने कहा कि प्लीज़ बात करवाएँ. तो मैंने फ़ोन लिया तो she said you know मैंने मिकाल से क्यों दोस्ती की है? मैंने सिर्फ इसलिए दोस्ती क्योंकि आप उसकी बहन है. And I just said, I was like, okay, thank you, Nehal, okay. अब मैं इसको वापस होने में, you know, how selfish your friends are. बेचारा एक तो ऑलरेडी दुख में होगा, आपने ऊपर से उसको और फिर चीज की. He was so excited, he thought मेरी तारीफ करेगी वो, okay, कि मिकाल से such a good friend. That's what she said to me. उसको शौक होता है आपको देख के इस तरफ आने का? वो कहता है मैं भी बनूंगा कुछ. नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं. बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसको. इंटरेस्ट नहीं. आई थिंक वो ही इज गोइंग टू डू इट इफ ही इज इन द मूड. If he's put in such a place, वो कभी नहीं करेगा. छोटा है अभी तो वैसे. छोटा नहीं, वो बहुत naughty और वो नहीं, patience उसमें उतना नहीं है. नहीं है. तो घर में क्या होता था शुरू बचपन में? अब्बू जब गाते हैं तो बैठे होते हैं कहीं भी कुछ गुनगुना रहे हैं, कोई फैमिली आप लोग मिल के कोई गाना वाना गाते थे या how it used to be? फैमिली गैदरिंग्स होती थी, डिनर्स होते थे, तो उसमें इन द एंड हमेशा म्यूजिक होता था. पापा कीबोर्ड निकालते थे और पुराने गाने एंड ऑल. तो ये एनवायरनमेंट शुरू से रहा है. एंड इट वाज वेरी कैजुअल नाइस एक्सेप्टेंट एनवायरनमेंट. अम्मी के साथ कैसी रिलेशनशिप है? वेरी फ्रेंडली. इट्स वेल लाइक फ्रेंड्स, लेकिन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट फिर भी है कि मदर है. तो मामा और मेरी आर्ग्यूमेंट भी होती है अब, क्योंकि वो उनको लगता है कि शी इज स्टिल द 10-year-old नवाल. आई विल टेल एवरीथिंग एंड शी इज गोइंग टू डू. मैं कहती हूँ मामा प्लीज लेट मी टेक डिसीजंस. तो उस तरीके से हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन बहुत फ्रेंडशिप है उनके साथ. मुझे लगता है हमारी फैमिली ऑफ 4 बट वी आर कंप्लीट. माशाल्लाह. सो डू आप डिस्कस करती हैं अपने स्क्रिप्ट्स पेरेंट्स के साथ, अब्बू के साथ मशवरा करती हैं कि ये लूँ ना लूँ क्या करूँ? मेरी उर्दू ना थोड़ी कमज़ोर है पढ़ने में. ओके. तो मैं मामा को ही देती हूँ पहले स्क्रिप्ट, वो मुझे पढ़ पढ़ के सुनाती हैं. क्यूट. और फिर या तो कोई वन लाइनर है वो पढ़ के सुनाती हैं, फिर मैं सोचती हूँ आई शुड डू इट ऑर नॉट. या सो शी नोज एवरीथिंग बिफोर टाइम. सुनोवाल, जब पहली बार कैमरा फेस किया, एक्ट पहला सीन हुआ, कौन सा था और क्या रिएक्शन थे उस वक्त, क्या फीलिंग थी? कितनी बुरी डर लग रहा था, ये काम थी या क्या था? आई डोंट नो. आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट द कैमरा. है तो ये एक इट्स अ प्रोडक्ट, लेकिन कुछ है कि इट वो आपको कॉन्शियस कर देता है. ओके. आई रिमेम्बर मेरी टिल डेट मेरे हाथ पांव कांपते हैं जब मैं सीन करने जाती हूँ या फर्स्ट डे सेट पे होता है. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, एक तो आपको सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, देन यू हैव टू फेस द कैमरा. तो पहले तो बहुत होता था, अब मुझे लगता है थोड़ी आदत हो गई है. पहला सीन याद करके बताएं क्या हुआ था. पहला सीन आई स्टार्टेड विद कमर्शियल, सो आई रिमेंबर. ड्रामे का सी कमर्शियल्स फिर भी डिफरेंट होते हैं. मुझे लगता है ड्रामा इज मोर यू नो डायलॉग डिलीवरी, और कभी आपके सामने बहुत बड़े शुरू में जब आप आए हो तो बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, कैसा था यकीन का सफर? वाज योर फर्स्ट ड्रामा? यस. ओके. सो योर पहला सीन ही सजल के साथ था? पहला सीन ही सजल. ओह माय गुडनेस, ये तो टफ था आपके लिए फिर. नहीं सजल, मुझे इट वॉज नॉट टफ फॉर मी बिकॉज सजल वॉज सुपर सपोर्टिव. आई रिमेम्बर. लेकिन उससे पहले आपको नहीं डर लग रहा था कि यार सुबह मेरा पहला सीन है? हाँ, वो भी ये दिमाग में था कि डायलॉग ना भूल जाए. और मैं हमेशा बहुत कॉन्शियस होती हूँ डायलॉग भूलने से, इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं भूल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी वजह से शायद किसी और को करना पड़े दोबारा. तो I was a little conscious, but Sajal was super nice to me. You know, I remember हमारा सीन खत्म हुआ था,
And she told me that, you know, you look exactly like Aisha Khan. And so Juhi Chawla, Aisha Khan, kis kis se mila hai aapko? Mujhe, mujhe aap nawali lagti hai, mujhe aap kis jaisi nahi lagti. But I think you have your own face, mashallah. Thank you so much. Achha, to usne ye bola ki Aisha Khan. To usne makeup artist ko bhi bula ke bola, she looks like Aisha Khan. She looks She was very nice to me. Okay. Super. मैं वही पूछने वाली थी, मैं कि आप तो बिल्कुल newcomer थी, सजल का how was her attitude at the set या कुछ किस तरीके से वो deal करी थी? अभी तक मैंने जिसके साथ भी काम किया है, nobody has made me feel that I'm a newcomer. Okay. Nobody. सजल was very nice. Zahid was so nice. मैं यही अभी मैं खैर उसी पे फरियाद पे मैं आती कि अभी तक होता है कि यार जाहिर इतने senior artist हैं, अब मैं उनके साथ फरियाद का option आया. So what made you say yes? क्या ख्याल थे? Oh God, मैं अब you know I'll be working with a big cast and सारे माशाल्लाह से आप लोग सभी लोग इतनी जबरदस्त cast है और बड़े senior नाम है आपके साथ you know. जी. मैं तो I heard Zahid's name and I was like wow because I watched Ishq Se Naseeb because of Zahid. Yeah. Every time he would come on screen और मैं अभी set पे भी उनको यही कहती हूँ कि you know मैं आपकी पहले फ़ैन हूँ फिर मैं आपकी को-स्टार हूँ और मैं उस दिन मैं इतनी एक्साइटेड होकर मैं कह रही थी यू नो आई वुड वेट फॉर यू टू कम ऑन स्क्रीन और मैं देखती थी कि आपका लिप कलर कितना प्यारा है एंड यू लुक सो गुड सो और वो ही नोज़ दैट आई एम अ फैन आई एम अ बिग फैन और वो मेरी तारीफ़ भी बहुत करते हैं तो जब जाहिद की तरफ से मुझे तारीफ़ आती है ना तो मुझे लगता है शायद मैंने कुछ किया है बहुत अच्छा लगता होगा यू नो पर्सन यू एडमायर इन एक्टिंग वो आपकी तारीफ करे एंड ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन आई लाइक दिस अबाउट हिम एक चीज में उन्होंने मुझे गाइड किया था जो ही गाइडेड मी लेकिन शायद किसी और के सामने आई थॉट ही वुड गो एंड से कि नो दिस इज नॉट व्हाट आई सेड बट ही वेंट अप टू अदर्स एंड सेड आई हैव आस्क्ड हर टू डू दिस वाओ So he was very honest. तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात and he's very supportive, giving cues और कहीं उनको लगता है कि मैं मुझे ये थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए तो वो मुझे बताते हैं और इसमें this was my first experience. I was playing a, I have never played a mother. इसमें I'm playing a single mother. फरियाद में. Okay. तो वो और वो इस एज के लिए तो काफी मतलब सीनियर आपके लिए. बिल्कुल. और वो he guides me a lot. मतलब नवाल मैं आपके ना डिफरेंट ड्रामे देख रही थी मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे हर ड्रामे में आपकी लुक और फील बहुत डिफरेंट लगी तो आप कुछ ऑन पर्पस यू डू इट या बस ये ऐसा हो गया यू नो इनमें मजाक रात में भी जब मैं देख रही थी तो उसमें भी मुझे आप बिल्कुल डिफरेंट लगी लुक वाइज एंड हर ड्रामे में एक लाइक जैसे वो इमरान अशरफ के साथ आपकी फिल्म है उसमें एक डिफरेंट बिल्कुल ही फील आ रही थी लुक आ रही थी फिर फरियाद में तो बहुत ही डिफरेंट है आप यू नो सो ये क्या हाउ डू यू अचीव दिस I think you're talking about the wardrobe or just the look Nahin, overall look and feel you okay. know ek mujhe lagta hai ya mere sath aisa hota hai ki character ko hum dekh rahe hote na to ek feel aati hai hame character se na right, so it's right. not ki main dekho and main bar bar newcomer bol rahi hu sorry agar aapko bura nahi laga but you know ki itne short span mein itna solid is tarike se kaam dena it's something very you know great matlab अभी भी मैंने आज सुबह फरियाद का ओएसटी को 3 दफा देखा है एंड उसके आई लव्ड योर एक्टिंग इन इट एंड आई वाज लाइक डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब और फिर मैं पुराने भी जाके देखे फॉर यू नो मैं अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए तो उसमें भी मुझे बहुत मुझे हर चीज में ना हर दफा आपकी मुझे एक डिफरेंट यू नो फील आई सो आई वांटेड टू एडमायर यू अगर आपने ऑन पर्पस नहीं किया था तो ये एक्टिंग स्किल्स हैं आपके थैंक यू फॉर बीइंग सो जेनरस नो नो आई मीन इट व्हाट आई जस्ट फील दैट इफ If you're in the art of selling emotions. Yeah. It's so ironic ki emotions cannot be sold, but you're in the art of selling emotions. सही बात है. और उसमें आप सिर्फ ऑडियंस आपसे तभी कनेक्ट करेगी जब आप ऑनेस्ट होंगे. तो आई वट एवर आई डू विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट टू द वर्क आई डू तो उससे मुझे लगता है कि पीपल कनेक्ट एंड दिस आई हैव गॉटन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि वे आर एबल टू कनेक्ट फ्रॉम व्हाट यू से व्हाट यू डू तो वो इट्स आई थिंक इट्स जस्ट डायरेक्टली फ्रॉम गॉड अच्छा ये बताएं नवाल अभी तक का जर्नी आसान है मुश्किल है कैसा है फन है मुझे लगता है एक एस्केप है आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव कुछ ऐसा आता ही नहीं बिकॉज यू आर सो बिजी डूइंग व्हाट यू हैव टू डू तो लेकिन मैंने कभी आई हैव नॉट स्ट्रगल्ड एवरीथिंग वाज नॉट सर्व टू मी इन अ प्लेट
बट मुझे लगता है मैंने स्ट्रगल नहीं किया, आई नेवर आस्क फॉर इट, आई गॉट व्हाट आई वांटेड, लेकिन मेहनत बहुत की है. तो उस तरीके से मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस सो फार सो गुड. तो मुझे ये बताएं कि एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो न्यू कमर्स आते हैं या जो दूसरी बहुत सी कहानियाँ हमने सुनी हैं, लोगों को बहुत बहुत देर बाद जाके बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसके मुकाबले मुझे लग रहा है आपका सफ़र थोड़ा सा आसान है. थोड़ा नहीं, बहुत आसान था. गॉड इज़ बीन टू काइंड. लेकिन बीच में कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन हुई होंगी. रिजेक्शन को मैं या कोई चीज़ या प्रोजेक्ट जो आपको लेना हो नहीं मिला हो, तो उस वक्त क्या, उस वक्त थोड़ा गुस्सा चढ़ता था, दुख होता था, कहीं फ्रस्ट्रेट हुई बीच में और छोड़ा कि यार बिल्कुल वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, मिल तो रहा है लेकिन वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए. बिल्कुल. तो क्या किया उस वक्त? वो उस वक्त तो आई जस्ट आई थिंक आई ऑलवेज हैड फेथ इन गॉड, और जो भी मिला अब तक जो मिला है आई नेवर आस्क्ड फॉर इट. ओके. वो मुझे खुद मिला है. ओके. और जो नहीं मिला उसमें कोई बेटरमेंट होगी किसी तरीके से. सही बात है. तो वो अब मुझे लगता है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए लोग अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, और बहुत कॉमिक में भी मैं ट्राई कर रही हूँ. तो वो इंटरेस्टिंग है अभी तक. तो डिफरेंस आ रहा है कुछ. ओके. लेकिन कहीं भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जब आप सोचो यार ये बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा ये, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट. अच्छा, मैं एक टाइम पे बहुत सैड थी क्योंकि मुझे मेरे वेट की वजह से बहुत क्रिटिसाइज करते थे. अब मेरा थोड़ा वेट कम हुआ है. आई वाज लिटिल थोड़ी सी मैं चबी थी. इंडस्ट्री से क्रिटिसिज्म आता था? इंडस्ट्री से, यस. आई वाज टोल्ड दैट यू विल नॉट गेट कमर्शियल्स बिकॉज यू आर चबी. और मैं अब बस ये बैठ के सोचती हूँ कि ये बहुत एक छोटी बात है. इट शुड नॉट अफेक्ट योर द टैलेंट दैट यू हैव. एग्जैक्टली. और अभी तक हम इस चीज़ में स्टक हैं. पतला मोटा, दिस शुडंट बी एन इशू. बिल्कुल, इट शुड नॉट. और मेरा तो अभी वेट कम हुआ है, वो भी कभी कभी लोगों को ज़्यादा लगता है. लेकिन या मैं तो फिर कुछ ना ही बोलूँ. नहीं, यू आर लुकिंग नाइस माशाल्लाह से. आई थिंक या योर राइट, टैलेंट को किसी चीज़ और चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए. टैलेंट शुड बी जज. ओके. सो उस टाइम पे काफ़ी आप दिल दुखता था बहुत ज़्यादा. मैं एक टाइम पे बहुत सैड हो गई थी. मैं मामा से पूछती थी क्या है, बहुत ज़्यादा है. इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन मैं थोड़ी चबी चबी. तो उस ये मुझे बस फील होता है. और अब जिस जिसने मुझे वो बोला था ना, अभी भी मुझे लगता है कि वो मैं उस तरीके से उन लोगों से मिल नहीं पाती. मेरे दिमाग में वो बात चलती है कि दैट्स व्हाट आई गॉट, दैट्स व्हाट दे सेड, एंड दैट्स हाउ आई फेल्ट. तो कभी कभी, सॉरी पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए, सवाल ये नहीं पूछना चाहिए, आस्क व्हाटएवर यू वांट. कभी कभी लगता है कि आपकी लुक्स की वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होता है, हो जाता है? मुझे इट इज एन एक एडिशनल बोनस है माशाल्लाह से. यस, आई थिंक सो. लेकिन मुझे ये भी सुनने को मिला है दैट यू आर टू फेयर फॉर द स्किन, फॉर द स्क्रीन. ओके, दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम पीपल. मतलब ये दुनिया किसी हाल में भी खुश नहीं है. पता नहीं, आई आल्सो आई रिमेंबर, एक तो आई फील के इनसिक्योरिटी बहुत एग्जिस्ट करती है. इफ समवन एल्स इज लुकिंग प्रिटी, डजंट मेक यू लुक बैड. बिल्कुल भी नहीं. और मुझे तो ये बहुत सुनने को मिला है कि यू डू फेयर फॉर द स्क्रीन. आपका एक डिम्पल आता है वो आप उसकी वजह से आपका फेस सिमेट्रिकल नहीं लगता. मतलब इतनी नेगेटिविटी जिसके बारे में आप सोच के आप बोलें कि पता नहीं मेरे अंदर क्या मसला है. अच्छा, अब आई हैव बिकम अ लिटिल कंफर्टेबल. अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि यार इट इज़ व्हाट इट इज़, आई विल नॉट गेट एनीथिंग फिक्स्ड. And it's fine. So actually वो चीज़ आपके फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट काम की है बहुत ज़्यादा. बहुत, अब मुझे नहीं पता कि वो इनसिक्योरिटी में मुझे कहा गया या किस वजह से, लेकिन आई हर्ड दैट. तो कैसा फील होता था? कितना ज़्यादा गुस्सा आया था उस वक्त? गुस्सा मुझे आता ही नहीं. आई जस्ट मैं फ्रस्ट्रेट होकर मैं रोने लग जाती हूँ. मैं घर जाती थी सेट से, मैं मामा को बोलती थी मामा क्या मसला है ऐसा, आप देखें क्या. आपकी अम्मी तो हैरान होती होंगी कि इतनी मेरी प्यारी बेटी टैलेंटेड, उसको ऐसी बातें सुनने को मिला, उनको तो गुस्सा चढ़ता होगा. मामा इमोशनल है. मामा कहती थी पता नहीं इसको क्या बोलते हैं जो ये सारे क्वेश्चंस लेके जाओ, ये तुम्हें अफेक्ट कर रहा है. उन्होंने बोला इग्नोर करो, कि जस्ट इग्नोर व्हाट पीपल से, इट शुडंट बॉदर यू. और अब तो बॉदर नहीं करता माशाल्लाह से. बड़ी अच्छी बात बोली. इंस्टेड की उन्होंने बोला कि एस्केप करो, उन्होंने कहा इसको फेस करो, इसको इग्नोर करो. पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड राबिया. इट्स बेटर कि हम खुद ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लें कि वी आर परफेक्ट द वे वी आर. और
इन जो इम्परफेक्शन है दैट्स ब्यूटिफुल. यू आर माशाल्लाह से सो प्रिटी एंड सो नाइस इन मैनरिज्म एंड इन पर्सनैलिटी. मतलब मैं तो पर्सनली मिल रही हूँ ना, तो मुझे और वही बात है कि मैनर्स एंड आपका रख रखाव जो होता है और आपका मतलब मिलनसार, आई विल से दैट दिस वर्ड आई विल यूज़ मिलनसार. तो मुझे शौक लग रहा है आपसे ये सारी बातें सुनते हुए कि लोगों ने आपको ये बातें बोली हैं, बिकॉज अगर आपको ये सुनने को मिला तो फिर बाकी सब लोगों की तो गई, उनकी तो कोई उम्मीद ही नहीं है फिर तो. मैं सोचूँ उनके साथ मुझे लगता है इसी वजह से मुझे सुनने को मिला, क्योंकि मैं शट अप कॉल नहीं देती थी, मैं चुप करके सुन लेती थी और मुझे लगता था वो अगली बंदी वो ऑनेस्टी में मुझे कह रही है कि यार देयर समथिंग इज रॉन्ग. सो अब आप सोचती हैं कि अब आगे गोइंग फॉरवर्ड आप इसको कैसे हैंडल करेंगी? इस चीज़ को मैं अगर मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में सोचने लग जाऊँगी तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी ना. मैं एक अंदर से आई फील सैड अबाउट इट. तो पहले जब आई स्टार्टेड तो मुझे लगता था कोई भी मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में एडवाइस करेगा वो ऑनेस्ट ही करेगा, बिकॉज देव बिन वर्किंग, आई एम न्यू. तो मुझे लगता था हर इंसान ऑनेस्ट है, तो मैं हर किसी की बात सुन लेती थी. तो अब मैं अब मुझे पता है भाई इट इज़ व्हाट इट इज़. मतलब थोड़े कुछ बुरे तजुर्बात के बाद आपको ये बातें दिमाग में अब आती हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल. मैं आपके इंटरव्यू भी देख रही थी, उसमें भी आपने कहा कि अब मैंने सोच लिया है कि किसी को मैंने अपने से ज़्यादा ओवर फ्रैंक नहीं करना वो करना. तो कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई थी, कोई वाक्या हुआ था जिसकी वजह से आपको ये you thought कि अब मैं थोड़ा सा फास्ट आई थिंक आई एम वेरी वेलकमिंग लाइक दैट. तो मुझसे कभी कभी बहुत कंफर्टेबल हो जाते थे लोग, लेकिन मेरी बाउंड्रीज शुरू से रही हैं, वैल्यूज शुरू से रही हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आई विल नॉट लेट एनी वन टेक एडवांटेज ऑफ मी और ऑफ माई सिंसेरिटी विद देम. तो उस तरीके से मैं कहती हूँ कि इतना ही दिस इज़ वॉट यू कैन इस बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं और इतना आप मुझसे बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप ऑफ लिमिट्स जाके मुझसे बात ना करें. और आई थिंक बड़ा ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्री में भी सबको पता चले कि लड़कियों की एक लिमिट है और उनकी रिस्पेक्ट और हदूद ज़रूरी है, ताकि वो क्योंकि आप ये करिए तो आगे जाके दूसरी लड़कियों को फायदा होगा ना. अच्छा, मतलब बचपन में कुछ होता था कुछ गानों वानों पे शीशे के सामने खड़ो के प्रिटेंड करना? oh या God, गाने yes, करती थी yes. क्या और वही अभी मैं सोचती हूँ कि ये सारा वहाँ का काम आ रहा है. नहीं, एक्टिंग ऑन स्क्रीन इज सो डिफरेंट उससे शीशे के सामने एक्ट करने से. आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कैमरा एंगल कहाँ है, आपको किस तरफ देखना है और कितना आपको आँखें ऊपर करनी है, कितना नीचे देखना है, और वो उससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो मैंने बहुत किया है. अच्छा, बहुत किया है. हाँ, तो क्या किस गाने पे या कौन सा फेवरेट फिल्म थी जिसको उसको रिहर्सल करती थी शीशे के सामने, या वो कैरेक्टर बन जाती थी, क्या करती थी? कैरेक्टर बन जाती थी. आई थिंक आई वाज ऑब्सेस्ड विद संजय लीला भंसाली फिल्म्स. सो ही वुड सांवरिया सावरिया नहीं, आई थिंक आई रियली लाइक टू दीपिका इन रामलीला एंड ऐश्वर्या इन देवदास. नाउ अब आप जैसे तो बोली ना, आई एम इमेजिनिंग यू इन दोस. नो नो, आई वुड वेयर आईलाइनर एंड काजल और फिर मैं यहाँ पे कोई टीका लगा देती. तो मैं बहुत फिल्मी थी बचपन से. मुझे लगता था इतना ब्यूटीफुल दिखा देते हैं ना आपको, तो वो मुझे वैसा कुछ करना है. आई वॉन्ट टू लुक लाइक दैट. तो मतलब फिल्में चाहिए भाई, हमारे पास टैलेंट बैठा. लेकिन अब ऑपोजिट है, अब आई वॉन्ट टू डू रॉ फॉर्म्स ऑफ आर्ट. जैसे मुझे पाकिस्तानी फिल्म जो पसंद है वो रॉ आर्ट. केक मुझे बहुत पसंद है. अच्छा. मुझे खुदा के लिए पसंद है, मुझे ये फिल्म्स पसंद है पाकिस्तानी. तो अब मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है. अच्छा, मुझे ये बताएं कौन से एक्टर और एक्ट्रेस हैं कि उनका नाम आएगा, बोलें कि आपको कॉल आई है कि भाई ये फलां एक्टर फलां एक्ट्रेस इस ड्रामे में है या फलां एक्टर का ही ड्रामा है, आप स्क्रिप्ट पढ़े बगैर आप बोलेंगी बस ये मैं कर रही हूँ. आई एम ऑब्सेस्ड विद माहिरा. ओके. मुझे लगता है शी इज़ ब्यूटिफुल इन द वे शी स्पीक्स एंड द वे शी एक्ट्स. मैंने सदके तुम्हारे उनका देखा था और उससे बेहतर मुझे लव स्टोरी कोई नहीं लगी. और वो लाइक सैड लव स्टोरी. इट मोर देन सैड एंड इट बीइंग अ लव स्टोरी, इट वाज ऑनेस्ट एंड इट वाज ऑन प्योर लव. तो वो उसके बाद से आई एम अ बिग माहिरा खान फैन. ओके. तो आई वुड लव टू वर्क विद माहिरा. फोन आएगा तो आप पूछेंगी नहीं स्टोरी क्या है, बोलेंगी बस यस स्टोरी तो सुन लूंगी, लेकिन वो माहिरा की एक्साइटमेंट अलग. और एक्टर्स में कोई है या नहीं? एक्टर्स में
I want to work with Fawad Khan. चलिए जी, आपको कॉल आ रही है, फवाद खान के ऑपोजिट आपको कास्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपना 10 kg वेट बढ़ाना पड़ेगा. यस और नो? हाँ. ओह गॉड, बढ़ाना पड़ेगा. यस, 10 kg बढ़ाना पड़ेगा. व्हाई? बस ये स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है. अब इतनी डिटेल में मैं नहीं गई. व्हाई व्हाई? आप यस बोलेंगी ना बोलेंगी? लेट्स सी हाउ हाउ डेस्परेटली यू वांट टू, हाउ एक्साइटेड यू आर टू वर्क विद. No, okay. I think I would not. You will not. Sorry, Fawad Khan. आपका जादू नहीं चला यहाँ पे. क्योंकि फिर कम करना बहुत मुश्किल है ना, बढ़ा तो लेंगे. That's true, है ना, कितना मुश्किल होता है यार. बहुत ज़्यादा. जल्दी से भी चढ़ जाए तो बस फिर बैठे रहो और फिर वो. अच्छा, मोस्ट डिफिकल्ट. यू डाइट या एक्सरसाइज क्या करती हैं? मुझसे, मैं बहुत गलत बात है, मैं लेकिन बहुत लेजी इंसान हूँ. सेम हियर. गलत बात नहीं है. मैं तो, मेरे दोस्त मेरी मजाक उड़ाते थे. मैं अपार्टमेंट में रहती थी नीचे, तो मैं एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में गाड़ी पे जाती थी. जब मैं दावत पे पहुंचती थी तो मजाक उड़ाते, आपको पता ही है कि ड्राइव करके आई है. मैं कहती थी यार तैयार हो के कौन गर्मी में नीचे बेसमेंट में ड्राइव कर रहा है. माय सोल सिस्टर, यू नो. तो मैं, मुझे छुट्टी मिलती है या मैं घर आती हूँ तो मुझे, मैं गाड़ी में ये सोचती होती हूँ कि अभी मैं जाके बेड पे लेट जाऊँगी. सेम हियर, मैं सोफे पे. इतनी लेजी इंसान हूँ मैं. तो मुझे एक्सरसाइज में शुरू करती हूँ, 2 हफ्ते होते हैं, 1.5 हफ्ता होता है, मैं कहती हूँ इनफ. फिर मैं बोलती हूँ बस खाना ही कंट्रोल करना. अच्छा, मैं पता, अपने दिमाग पूरा प्लान थी, बस बहुत हो गया, बहुत राबिया तुमने कोक पी ली और तुम सोफे बैठी रहती हो. अब हाँ, अब मैं ऑफिस से आ जाके ना मैं वॉक किया करूँगी 45 मिनट्स, और फिर सब दिमाग में प्लान होता है और दिमाग में मैंने वॉक भी कर ली होती है. एक्चुअली मैं सिर्फ मैं सोफे पे बैठ के अपनी चॉकलेट और खाना और वो करती हूँ. आई एम नॉट रियली मीठा पर्सन. मैं आई लाइक बिरयानी, राइस. I love biryani. I like ice creams. और मुझे चीज़ पिज़्ज़ा बहुत पसंद है. बिरयानी और पिज़्ज़ा के सामने तो कुछ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, you know? I swear. बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसने इंस्पायर किया आपको एज एन एक्ट्रेस या एक्टर? कौन है आपका जिसको यू रियली लुक अप टू? I look up to. I think everybody is so different that there's few things that I pick from everyone. Okay. और एक मेरे दिमाग में कोई ऐसा नहीं है जिनको मुझे लगता है कि this person inspired me to be. लेकिन I like how everybody is so different. तो मुझे हर किसी से I take from. So मुझे बताएं, जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया है उनमें से किससे क्या कुछ सीखा? कोई एक दो चीज़ आप बता सकती हैं? जाहिद से क्या सीखा? इमरान अशरफ से क्या पिक किया? जाहिद से तो I'm still fan girl moment. I'm a जाहिद अहमद fan. And जाहिद से मैंने सीखा कि he is very honest to his work. और वो अपने काम से प्यार करते हैं, तो वो उसके साथ वो हार्ड वर्क जो है ना उनका, वो दिन का पहला सीन हो या दिन का आखिरी सीन हो, सेम उस तरीके से करते हैं. और एक और चीज़ मैंने फील की है कि वो एफर्ट, आई एम श्योर ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन व्हाट ही डज, लेकिन इट कम्स आउट एज समथिंग वेरी एफर्टलेस. कि मे बी ही इज़ नॉट एक्टिंग, मे बी दिस इज़ हिम. कुछ दिन पहले माई डैड वॉज सेइंग टू मी कि ये इस नसीब में ही वॉज दिस ओनर ऑफ अ बिग बिजनेस, और यहाँ पे he's playing मुराद, he's a cheap guy. I know, so and he cheap. Fits in both. हाँ हाँ, बहुत मज़े का character है. मज़े का भी है, and it's touchwood बहुत एक, it's very surprising कि आप दोनों characters में जो बिल्कुल opposite हैं, कैसे fit कर गए? So जाहिद अहमद always. और इमरान के साथ जब काम किया था तो इमरान हैज़ 0% एटीट्यूड. ओके. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ही वॉज वेरी नाइस. और मेरे साथ सीन्स करने के बाद जब कट होता था तो वो मुझे अप्रिशिएट करते थे. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बाद. अच्छा, एक छोटा सा गेम करते हैं आपके साथ. ठीक है. इट्स कॉल्ड इफ़ यू वेक अप एज. ओके. सो मैं आपको कुछ नाम बताऊँगी. इफ़ यू वेक अप एज वन ऑफ देम तो आप क्या करेंगी, या पहली चीज़ क्या करेंगी, या क्या करेंगे? माहिरा खान. माहिरा खान, आई एम स्टिल इन द थॉट. I don't know. I just called some director. Yeah. She's planning to work with, and I said, you know, isme Nawal ko please aap cast kare. Isme mere saath Nawal honi chahiye. That's a brilliant idea. Mayra, aap dekh rahi hai to. Mayra, I love you, Mayra. Definitely, you should think about that. Okay, Zahid Ahmed. I'd play Ali Azmat music. Zahid is always listening to Ali Azmat. Okay. So I'd
play Ali Azmat music and mm-hmm. I would, that's how my morning is going to look Stop. Like. Yeah. Sajal Ali. I would, all of a sudden I'd start feeling that I'm a really good actress. And I'd start acting like Chhammi. Oh, nice. That's your favorite character for I really like her in as Chhammi. Yeah. I love her as Chhammi. Yeah. Professor from Money Heist. Oh. I'd plan my next heist. Which, where will it be? I think Bilal's house. To plan a heist in Bilal's house. That's very interesting. And Nairobi? And if you wake up as Nairobi? Nairobi. Oh. I'd come to myself. Huh. And teach me some acting skills. Really? I think she's very good. She's natural. That's very kind of you to say that. Yeah. अच्छा मैंने सुना है आप गुनगुनाती बड़ा अच्छा है. मैं कोई कहानी सुनाती हूँ. उस कहानी में जगह जगह मुझे बस आप थोड़े सा कुछ गुनगुना के सुना दीजिएगा. एक में एक लड़की है नवाल. उसकी जिंदगी की कहानी है. अब सोचिए नवाल बड़ी बड़ी मनमोहनी सी बड़ी प्यारी सी अलर्ट सी हसीना है. हम ड्रामे की टर्म में बात अलर्ट. डू यू नो द मीनिंग ऑफ अलर्ट? नो, इट्स जस्ट फनी. ओके, लेट्स अलर्ट. ओके, शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल. ओके, सो जब पहली बार नवाल को इश्क हुआ होगा तो नवाल ने क्या गाना गाया होगा? मैं तेरी आंखों में रहती हूँ, मुझे पता ना चले तेरे हर पल में गुजरी हूँ, कोई ऐसी खता ना करे, करे तो फिर क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार ले, बोलो कहाँ कहाँ फिरे, सजनी पास बुलाओ ना, के दिल आज रूठा है, आज टूटा है, साजन मान जाओ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे. ओह गॉड, आई लुक लाइक आई साउंड लाइक अ चिपमंक. नो यू डोंट. बहुत अच्छा गा रही हैं आप. अच्छा, भी अब दिल टूट गया है, सैड है बहुत नवाल. अच्छा, अब क्या गाना आएगा? बुलाओ कैसे ये पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, मिटाओ कैसे ये आंसू तेरी याद में बहा चुका, मर मैं जाऊं फना हो जाऊं कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये नम. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा खासा आता है आपको. यार मेरे 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 फादर मेरा मजाक बनाएंगे, कहेंगे जब सीखती नहीं हो प्रॉपर तो क्यों गाती हो. हाँ नहीं, वो मुझे यही कहते हैं. बारिश को देख के क्या गाना दिमाग में आता है? ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझे से मेरी ये कहानी. Yeah. आता नहीं था, बीच बीच में याद आ रहा था ना. That was so nice. You know, the way you caught up, it was so nice. और अगर कोई गुड लुकिंग लड़का देख लो तो क्या चीप गाना दिमाग में आता है, या थोड़ा फड़कता हुआ गाना जो होता है ना. गुड लुकिंग लड़का देख के आप मुझे कोई चीप गाना बताएं ना, मैं गाती हूं. शी सो नाइस. उसे का चीप गाना नहीं आता था. ओ यू हैव अ ग्रेट टीम ऑफ चीप गर्ल्स. हम सुबह से शुरू होते हैं कौन सा गाना लगाएं, कौन सा गाना लगाएं, सबकी बारी आती है. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, मुझको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. ये चीप तो नहीं था, बट वेरी नाइस. मैं चीप, मेरे दिमाग में कुछ चीप गाना नहीं आ रहा. बड़ा मुझे बड़ा मजा आया सुन के.
इट वॉज नाइस. अच्छा फरियाद क्यों चूज किया आपने? वॉट वॉज इन फरियाद दैट मेड यू से यस? फरियाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज माई फर्स्ट विद यार भाई, फिर आई वॉज टोल्ड इट्स विद शद्दी भाई एंड देन सैयद उसामा सर. तो उसकी वजह से देन आई गॉट टू नो आई एम वर्किंग विद जाहिद. और मैंने आपको बताया कि आई हैव नेवर प्लेड अ मदर ऑन स्क्रीन. इसमें आई गॉट टू प्ले अ सिंगल मदर और मैंने कभी वर्किंग वुमेन भी प्ले नहीं किया. तो वो एक लड़की है जो शी इज़ वर्किंग अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, फिर ऑल शी हैज़ टू थिंक अबाउट इज़ हर सन. तो वो मुझे लगा कि इसमें आई वुड गेट टू डू समथिंग डिफरेंट. तो दिस इज़ व्हाई फरियाद. हाउ एक्साइटेड वर यू जब ऑफर हुई? तो कितना उछली, कितनी चीख मारी? अच्छा मेरी एक्साइटमेंट कभी भी वो चीख वाली नहीं होती. मुझे खुशी होती है एंड आई एम जस्ट आई से अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं कभी भी वो चीख वाली एक्साइटमेंट में, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, आई एम सॉरी. नहीं नहीं, मेरे सामने हमारा इंटरव्यू बड़े मजे का हुआ है. मैं आई फील आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन लाइक दैट. तो मैं आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरी ARY से वॉज माई फर्स्ट कॉल. तो and I went there and everything went well. Shadi bhai liked me. Unko audition diya tha kya? Screen test. Screen test diya tha. Okay. To unko bahut acha laga. Okay. To wo mujhe laga ki it was good. Everybody was very nice, kind to me over there. Aur mera experience on set bhi bahut acha tha. Aap aur Aiza dono gappe wappe lagti hai, maza aata hai. Aiza ke sath aapko pata hai maine सिर्फ एक दिन मैंने काम किया और अच्छा। उसमें भी आयजा के साथ मेरा कोई सीन नहीं हुआ. जिस दिन हमने प्रोमो शूट किए तब आयजा के सेपरेट थे, मेरे सेपरेट थे, लेकिन हम लोग उस दिन साथ थे. बट आयजा इज लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन. यू बोथ माशाल्लाह से. अच्छा मुझे बताएं, अभी तो आपकी एंट्री हुई है, अभी तो अभी जिस वक्त हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं फरियाद की इनिशियल कुछ एपिसोड्स चल रही हैं, तो आगे जाके आपका कैरेक्टर और डेवलप होगा और सब कुछ. बट अभी से कुछ फैन रिस्पांस आ रहा है, कुछ आपको फील हो रहा है, कोई कमेंट्स DMs आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं? जी जी, अभी मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, बहुत इंटेंस किसी ने मैसेज भेजा था कि इट्स सो क्यूट दैट पीपल कॉल मी नवाल आपी. तो मुझे एक मैसेज आया था, नवाल आपे, मेरी बहन कह रही है कि प्लीज़ मुराद के पास मत जाएं, आप हमारे घर आ जाएं लेकिन उसके पास मत जाएं. सो आई थिंक सो स्वीट, सो स्वीट, इट वाज सो स्वीट. और मुझे ऑन एंड ऑफ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता ही रहता है. और अभी देखें, अभी तो शुरू ही है, मैं सोचूं आगे जाके कितना अच्छा है ना. अभी शुरू में ही अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं सो मतलब वो हो रहा है, फील हो रहा है कि अच्छा अब मेरा करियर का एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है आफ्टर दिस ड्रामा. मुझे मुझे हर दिन ये फील होता है. मुझे आज मुझे आपसे मिलके बहुत मुझे लग रहा है दैट आई हैव डन समथिंग न्यू एंड आई हैव मेट समवन हु इज नाइस टू मी एंड आई कंडक्टेड आई वाज इन एन इंटरव्यू व्हिच वाज सो कैजुअल एंड फन. सो एवरी डे आई फील ग्रेटफुल और कि आई जस्ट डोंट वांट दिस जर्नी टू Stop. I want it to be this way. इंशाल्लाह यू वी हम तो एक्सपेक्ट करें कि हम आपसे बड़ी हिट्स अभी और बहुत कुछ देखेंगे इंशाल्लाह. और आपको क्या वो नेगेटिव कैरेक्टर का जो शौक है और कॉमिक, हम बहुत बहुत से इंटरव्यू वे यू सेड कि मुझे वो करना है, मुझे बॉक्सर गर्ल, बॉक्सर गर्ल और क्लाइम करना है. और बट आई वुड बी वेरी एक्साइटेड टू सी यू. एक एक्शन ड्रामा आना चाहिए जिसमें नवाल कोई वो बन रही है, यू नो. आई रिसेंटली डिड सौतेली मामता, उसमें वो जो मनाहिल थी उसकी तो कोई से नहीं थी. मेरी रोज़ जाके बहस होती थी कि मैंने कुछ तो इसमें ऐड करवा दें, इतना पैसिव कोई इंसान नहीं होता. तो मुझे उसके बाद से लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें बस मुझे कुछ करना है. तो फिर मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस. मुझे फिर नेगेटिव ऑफर हुआ उसके बाद. So accept कर लिया आपने? Accept कर लिया. और how exciting, हम एक खूबसूरत evil हसीना को देखेंगे. वो आपको फिर अच्छी नहीं लगेगी, पता है? ये वो तो जितनी बुरी है ना वो किसी की नहीं है. अच्छा तो वो फिर मुझे negative offer हुआ. और मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर ऑफर हो. एंड आई रियली विश टू वर्क विद आसिम अब्बासी, इज़ द डायरेक्टर ऑफ केक. तो उनका काम मैं देखती रहती हूँ. अच्छा मुझे बताएं, फरियाद के सेट से कोई सीन है, कोई फ़नी बात है जो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? कोई एक्टिंग करते हुए कोई मिसहैप हो गया हो या कुछ? ये मैंने शायद किसी और इंटरव्यू में भी शेयर किया है. रोमी और उसके अलावा बहुत ही फ़नी था और उसमें मैं इतनी एम्बैरस हुई थी, लेकिन जाहिद कुडंट स्टॉप लाफिंग. अच्छा फिर से बता दे हमारे ऑडियंस को जिन्होंने नहीं सुना हुआ कि क्या हुआ था. अच्छा एक बहुत ही फ़नी वाकया हुआ था फरियाद के सेट पे. हम एक बहुत इंटेंस सीन कर रहे थे जिसमें हंसने या मुस्कुराने का तो कोई मार्जन ही नहीं था.
और उसमें मेरा डायलॉग था कि महरूमी में ज़िंदगी गुजारी है मुराद आप समझें, और मैंने उसे बहुत आँखों में देख कर मुराद को हाथ पकड़ के कहा कि मुराद मैंने मरहूमी में ज़िंदगी गुजारी आप समझें, एंड जाहिद फॉर अ मोमेंट स्टॉप्ड एंड देन ही कुडंट स्टॉप लाफिंग. और मुझे बोल के भी मैंने सोचा नहीं कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया. फिर जब मुझे DOP की और डायरेक्टर की और सबकी हंसने की जोर जोर से आवाज़ आई तो मैंने सोचा मैंने कुछ ब्लंडर हो गया मुझसे, बट एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ. और उसके बाद वी टुक 15 मिनट ब्रेक, जाहिद कुडंट स्टॉप लाफिंग, और मेरा वो सोलो था तो जाहिद वाजंट ऑन द कैमरा, तो मैंने जाहिद को कहा प्लीज़ आप, वो मुझे देख रहा था तो वो ही वुड स्टार्ट लाफिंग. तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ बेडशीट पे देखें, मैं आप मुझे ना देखें क्योंकि मेरा तो कंप्लीट होने दें. तो वो बहुत मुश्किल से सीन हुआ था, बहुत मुश्किल से. ओके, लेकिन मरहूमी और फरियाद में तो बहुत लंबे लंबे सीन्स हमने किए हैं. आई हैव नेवर डन अ 6-पेज सीन इन माई लाइफ, और फरियाद में मैंने पहली दफ़ा 6-पेज सीन किया एंड उसमें हमारा कोई डायलॉग नहीं भूला. It was a one take scene. Amazing. Which scene is that? एक काफी नहीं है, एक दो है. एक scene था जो अभी तो नहीं आया. वैसे फरियाद में है काफी बड़े बड़े scenes. 4-5 पेज हमने की आराम से. लेकिन एक बार I got this 6-page scene. तो मैं मेरे पास स्क्रिप्ट आई और I turned the page. Okay. And then I looked at Zahid and Zahid started laughing. Zahid said, I was waiting for your reaction. तो फिर हमने उसको हम 2-3 दफ़ा बैठ के लाइंस करते हैं साथ तो वो हो जाता है और वो इतना अच्छा गया सीन. जबकि मेरे दिमाग में था कि मैंने आज तक 6-page सीन नहीं किया एंड आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वाज गुड. इट वाज बता सकते कौन सा सीन है? उससे ना थोड़ी सी रिवील हो जाएगी. ठीक है. वाज देयर अ चैलेंज इस सारे इस कैरेक्टर को लेके, कोई चैलेंज था आपके लिए? बहुत, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत. एक टाइम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं अजीब क्रैंकी हो गई थी बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. हाउ वो मुझे, अगर उस बच्चे के साथ कुछ बुरा होता था तो मुझे उसका डबल फील करना पड़ता था, या मुझे कहा जाता था कि इससे डबल एक मदर को फील होगा. ओके, इफ़ ही इज़ हर्ट और उसके साथ कोई ट्रेजिडी हुई है तो आपको पागल हो जाना है. और मुझे वो मदर नहीं मैं फील कर पा रही थी. तो उसमें बहुत शदी भाई ने मुझे हेल्प किया. जाहिद हेल्प मी अ लॉट कि अगर उस बच्चे के साथ कुछ ट्रैजिक हुआ है देन यू हैव टू फील इट, और जितना उसको शायद फील नहीं हो रहा होगा एक मदर को डबल होगा. तो वो फिर आई नेवर प्लेड अ मदर आल्सो, तो वो मेरे लिए कोई दिमाग में आया कि जाके किसी सिंगल मदर से मिलो, या मिली थी, या अम्मी से बैठ के बात की कि अच्छा आप थोड़ा मुझे समझाएं मदर्स का पॉइंट ऑफ व्यू या समथिंग, या ऐसा कुछ नहीं? आई थिंक आई मेड इट अप माई सेल्फ. ओके, अनम was I created Anam myself. और अनम का मैंने सोचा था कि मैं बहुत बेसिक रखूँगी, नो मेकअप जैसा और बेसिक कपड़े, बट शी इज़ वेल ड्रेस्ड, बट शी हैज़ अदर थिंग्स टू थिंक ऑफ, सो शी इज़ नॉट लाइक रियली वेल ड्रेस्ड, बट शी इज़ डिसेंटली ड्रेस्ड. और उसकी लाइफ का बस एक ही अभी सोचने, एक ही चीज़ के बारे में वो सोच रही है, जो है उसका बेटा. अगर वो अर्न भी कर रही है मोर देन हर, इट्स बिकॉज ऑफ हर सन. और शी स्टार्ट्स लाइकिंग मुराद आल्सो बिकॉज ऑफ हर सन. तो आई मेड अनम माई सेल्फ, क्रिएटेड हर, हेल्प्ड, आस्क्ड ममा टू हेल्प मी, लेकिन मैंने किसी से. बड़ा मज़ा आया आपसे गप लगा के नवाल, एंड आई होप वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर लाइफ एंड फ्यूचर करियर, एंड अल्लाह के आप ऐसी मुस्कुराती रहें और हंसती रहें और इसी तरह आगे करियर में बढ़ती रहें, और आप मायरा खान और आसिन सबके साथ आपको काम करने का चांस. थैंक यू सो मच राबिया, इट वॉज़ वंडरफुल एंड इट्स बहुत रेयर होता है कि आप किसी के साथ इंटरव्यू में आप कनेक्ट कर पाओ एंड यू फील देयर you're comfortable and you and I were super honest in this. I think exactly. So thank you so much for having me. हम नवाल से मैंने बात की, बिल्कुल गपशप लगाएंगे, मुझे कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं चाहिए, और नहीं अच्छा लगेगा हम निकाल देंगे कोई चीज़, कोई मसला नहीं है, यू नो, बट यू शुड बी कम्फर्टेबल. बट थैंक यू फॉर इट काइंड वर्ड्स, अच्छा लगा सुन के, एंड इंशाल्लाह वी विल हैव यू बैक अगेन, मे बी एट द एंड ऑफ फरियाद, तब तक कैरेक्टर और भी हो चुका होगा, तब सिर्फ कैरेक्टर की बात करेंगे हम. अभी तो हम जानना चाह रहे थे कि नवाल हैं कौन. ठीक है जी, थैंक यू सो मच राबिया, थैंक यू सो मच.